दोस्तों, एक समय था जब भारत के राजा महाराजाओं के साहस, प्रतिष्ठा और वैभव के चर्चे चारों ओर थे। दौलत इतनी कि राजा की प्रजा से लेकर मंदिर और महलों तक सोने की बरसात होती थी। लेकिन जब आजादी का दौर आया तो फिर सब कुछ बदल गया, जिसके चलते कभी ठाट बाट से रहने वाले राजाओं के वंशज आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी शाही परिवार हैं जो नए जमाने में पूरी तरह से ढलकर अपने पूर्वजों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको ऐसे कुछ वीर सपूतों और राजवंशों के परिवार के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आवाज उठाने वाले पहले भारतीय शासक और टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से प्रसिद्ध टीपू सुल्तान को कौन नहीं जानता, और आज इनकी वीरता और साहस के किस्से के तो क्या ही कहने। परंतु सन 1799 में मुगल सल्तनत के इस वीर सिपाही ने जब दम तोड़ा था तो अपने पीछे छोड़ गया 90,000 सैनिकों के बल के साथ तकरीबन 3 करोड़ रुपए, जिसका आज के लिहाज से अनुमान लगाना काफी मुश्किल होगा। मगर बदकिस्मती से वक्त की ऐसी मार पड़ी कि आज इनके वंशज पाई पाई के लिए मोहताज हैं और अपनी जीविका चलाने के लिए रिक्शा चलाते हैं। ऐसा माना जाता है इनकी 12 संतानों से मात्र 5 ही बची थी, जिनमें से सिर्फ मुनरुद्दीन और गुलाम मोहम्मद की ही जानकारी में है, जो कि कोलकाता की टीपू सुल्तान शाही मस्जिद के पास रहते हैं। इस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी बेकार है कि कुछ सदस्य मिट्टी का तेल बेचकर और रिक्शा खींचकर करीबन 300 से 400 रुपए में अपना पेट पालते हैं। वाकई में दोस्तों, वक्त सच में बलवान होता है। जिसे आज राज करना चाहिए वो खुद का घर भी नहीं चला पा रहे। अकबर के 12वीं पीढ़ी के वंशज और बहादुर शाह जफर के 22वें बेटों में से एक के वारिश याकूब हबीबुद्दीन टूसी भी उन मुगलों की संतान है जिनके हालात बाकियों की तरह ही है। ये हैदराबाद में किराए के घर में रहते हैं और बेहद तंगी से जूझ रहे हैं। वैसे सरकार से इनको किसी बड़े नेता की तरह Z+ सिक्योरिटी के साथ हर महीने 8,000 पेंशन तो मिलती है, मगर इन्हें चाहिए इनके पूर्वजों की सारी संपत्ति, फिर चाहे वो आगरा का ताजमहल हो या फिर भारत सरकार का खजाना। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा भारत सरकार पर केस भी कर रखा है। अब इन्हें क्या मिलना चाहिए या नहीं, ये तो कोर्ट ही फैसला करेगा। लेकिन इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट में देना जरूर। राजा ब्रजराज महापात्रा, कभी उड़ीसा की सबसे रईस और रसूखदार रियासत रही टिगरिया राजवंश का आज जो हाल है वो किसी गुमनाम अंधेरे से कम नहीं। एक समय था जब इस सियासत के राजा ब्रजराज महापात्रा की तूती 60 किलोमीटर दूर तक फैलती थी और उनके महल में 30 से ज्यादा सेवक हुआ करते थे और गैराज में पड़ी थी 2 दर्जन से अधिक लग्जरी गाड़ियां। परंतु बाकी अन्य राजाओं की तरह सरकार ने इनसे राजस्व उगाही के अधिकार छीन लिए और महज 600 पाउंड में इनका महल भी खरीद लिया। कई दिनों तक 130 पाउंड की पेंशन पर जिंदगी गुजार रहे इस राज परिवार के आखिरी वारिस ब्रजराज क्षत्रिय वीर छामुपति सिंह की पेंशन भी इंदिरा सरकार ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद गांव वालों की मदद से बनाई गई एक छोटी सी झोंपड़ी में इन्होंने अपना बचा हुआ जीवन यापन किया और 2015 के दौरान 95 की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। निजाम उस्मान अली खान, दोस्तों आज के दौर में भले ही आपकी नजर में अंबानी देश का सबसे अमीर शख्स हो, मगर हैदराबाद के इस निजाम के सामने शायद ही वो कहीं खड़ा हो पाता। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान को भारत का अब तक का सबसे अमीर आदमी माना जाता है, जिसकी कुल संपत्ति लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में थी। इस निजाम की रियासत में सोने चांदी के सिक्कों के अलावा करोड़ों के हीरे जेवरात की अपार दौलत और हीरों की खदानें भी शामिल थी। मगर आजादी के बाद इस रियासत का भारत में विलय हो गया और सब कुछ सरकार के हाथों लग गया। आज इनके पौत्र मुकर्रम जहां तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, वहीं इनके अन्य भाई परिवार की संपत्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर, दोस्तों बहादुर शाह जफर को भारत के सबसे उम्रदराज शासकों के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने दिल्ली के तख्त पर वर्षों तक हुकूमत की। मगर उनकी 6वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाले जियाउद्दीन टकी की हालत काफी खस्ता है और वो मौजूदा समय में अपने 2 बच्चों के साथ किराए के कमरे में रहते हैं। मात्र पेंशन के भरोसे बैठे जियाउद्दीन टकी को अपना परिवार चलाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसके लिए वो शासन प्रशासन से अपील भी करते रहते हैं इस उम्मीद में कि कभी न कभी भारत सरकार उनके पुरखों की संपत्ति उन्हें वापस लौटा देगी।
उनकी सरकार से अपील है कि मुगल वंशजों को मिलने वाली 100 रुपए की स्कॉलरशिप को फिर से शुरू कर देना चाहिए और पेंशन को बढ़ाकर 8,000 तक कर देनी चाहिए। खैर, अब राज तो नहीं रहा, समय बदल चुका है। ऐसे में ये सरकार से सिर्फ अपील ही कर सकते हैं, बाकी तो उनके हाथ में है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे वंशज थे जिन्होंने अपनी किस्मत और पूर्वजों के खजाने का ढिंढोरा पीट कर घर बैठना पसंद किया। मगर अब हम आपको कुछ ऐसे सबूतों से मिलवाएंगे जो अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर आज भी उतने ही सफल हैं जितने कभी उनके पूर्वज हुआ करते थे। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है आखरवाल के राजा राव तुलाराम जी का। राव तुलाराम हरियाणा के राजनायक थे जिनकी रियासत पंजाब से लेकर हरियाणा तक फैली हुई थी। ये भारत के उन चुनिंदा राजाओं में से एक थे जिन्होंने भारत के सामने कभी सर नहीं झुकाया, उल्टा उन्हें दिल्ली तक खदेड़ा भी। हालांकि एक यात्रा के दौरान उनकी काबुल में मृत्यु हो गई थी, मगर आज भी उनके वंशज हरियाणा में रहते हैं, जिनमें राव इंद्रजीत सिंह जबरदस्त निशानेबाज होने के साथ साथ केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं एवं कुशलता से अपनी राजनीति चला रहे हैं। महाराणा प्रताप। दोस्तों, महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाओं से तो हर कोई वाकिफ ही होगा, जिनका राजवंश सूर्यवंशी सिसोदिया भारत के सबसे प्राचीन विरासतों में से एक है। कहा जाता है इस राजवंश ने मेवाड़ की रियासतों पर हजारों साल तक राज किया और देश के आजाद होने पर सबसे पहले उसमें विलय भी यही राज्य हुआ। इनके वंशज में सबसे प्रमुख अरविंद सिंह मेवाड़ आज भी अपने परिवार के साथ उसी महल में रहते हैं जहां कभी महाराणा प्रताप का दरबार लगता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाराणा प्रताप के बाद वो 21वें राणा है जिनकी शादी कच्छ की राजकुमारी विजय राजे के साथ हुई और आज ये कई होटल्स के मालिक हैं, जिसकी बदौलत ही अपना जीवन ठीक उसी रसूख के साथ जी रहे हैं जिस तरह कभी इनके पूर्वज जिया करते थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा और दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान किसी पहचान के मोहताज नहीं, सही मायने में एक रियल हीरो थे ये, जिनके नाम कई युद्धों का ताज चढ़ा हुआ था। मगर बदकिस्मती से मोहम्मद गौरी के साथ हुए एक युद्ध में वो हार गए और उन्हें कैद कर लिया गया। वो फिर कभी भारत नहीं लौट सके। हालांकि इसके बाद उनके पुत्र गोविंद राज चौहान से लेकर कई महान योद्धाओं ने जन्म लिया, जिनमें अलाउद्दीन खिलजी को धूल चटाने वाले हमीर देव चौहान का नाम कैसे भूला जा सकता है। ये बेहद साहसी राजा थे, मगर कुछ दिनों बाद शिव भक्ति में लीन होकर उन्होंने अपना सिर भोलेनाथ को न्योछावर कर दिया और इस साम्राज्य का अंत हो गया। वर्तमान समय में इस साम्राज्य के असल वंशजों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, मगर इसके दावेदारी काफी लोग ठोकते हैं, जिनमें मशहूर टीवी कलाकार नकुल मेहता भी एक है। तो दोस्तों, ये थे वो वंशज जिनमें से कुछ गुमनाम है तो कुछ काफी मजे में है। आपको इनमें से किसकी कहानी सबसे ज्यादा रोचक लगी कमेंट में हमें बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ऐसे अन्य वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर आप देख रहे हो तो इसे लाइक और फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।